वहीं बडसर में बीजेपी मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता बडसर बीजेपी चुनाव प्रभारी त्रिलोक जम्वाल ने की। इस मौके पर बडसर बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम सुक्कू के पास गृह मंत्रालय होने के बावजूद भी उनको विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की भनक तक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास 15-15 करोड़ रुपए में विधायकों के बिकने का कोई सबूत है तो इसे जनता के सामने साबित करें। वहीं बडसर के बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने भी बैठक में हुई चर्चा पर अपनी बात रखी। आज भारतीय जनता पार्टी बडसर मंडल की बैठक यहां पर संपन्न हुई। आज की इस बैठक में बडसर में जो हमारा विधानसभा का चुनाव है और यहां लोकसभा के चुनाव हो, दोनों चुनावों को लेकर तैयारियों की हमने समीक्षा की, आगे की रणनीति के ऊपर काम किया, कैसे चुनाव को आगे बढ़ाना है, उन सारे विषयों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी बडसर मंडल के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से हमारे प्रत्याशी भाई लगनपाल जी और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई बलदेव शर्मा जी, सामान्य जिलाध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेतृत्व पार्टी का आज की इस बैठक में मौजूद। वो प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश के मुखिया को तब तक पता नहीं लगा जब वोटें पड़ गई, राज्यसभा में वोट पड़ गए, वोटों के बाद अगर उनको पहले पता तो पहले कार्रवाई करते, और अगर बाद में पता लगा तो कितने लोगों को अंदर किया। ये सिर्फ प्रदेश की जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अगर उनके पास फैक्ट्स हैं तो लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, अंदर करना चाहिए। और इंटेलिजेंस किसके पास है? होम के पास है। होम किसके पास है? सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अगर सब कुछ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है तो क्या उनको उससे पहले पता नहीं लगा? और राज्यसभा का बोर्ड दिखाकर होता है, इनकी पार्टी के इनके नेताओं ने इनको दिखाकर कि जिस व्यक्ति ने राम मंदिर के जो विषय सुप्रीम कोर्ट में था उसके अगेंस्ट जिसने चुनाव लड़ा है, सामान्य मनु सिंह जी उनको चुनाव में उतारा है, तो इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी अंतरात्मा की आवाज से देवभूमि हिमाचल है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंडल की बैठक थी कार्यकारिणी की, उसमें हमारे जो प्रभारी लगे हैं त्रिलोक जम्वाल जी विधायक हैं सदर से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज उन्हें यहाँ पर प्रभार संभाला और प्रथम बैठक उन्होंने ली। उसमें जो अभी हमारा जो चुनाव का जो प्रबंधन है उसके लिए कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, कैसे चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना है, और 26 तारीख को जो हमारा पन्ना प्रमुख का जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में चर्चा होगी।